नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवाल। कांट थाना क्षेत्र के मजारी गौटिया गांव से पत्नी द्वारा गला घोटकर पति की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था, जिसके बाद गुस्से में आकर पत्नी ने हथौड़ी मारकर पति को घायल कर दिया, इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। महानगर के मोहल्ला सुभाष नगर के रहने वाले प्रियांशु गंगवार ने मानवता की मिसाल कायम की है। दरअसल कल जब सब लोग होली खेल रहे थे, उसी दौरान सुभाष नगर में आवारा कुत्तों ने एक गाय के बछड़े को मिलकर घेर लिया और घायल कर दिया, जिसके बाद प्रियांशु ने घायल बछड़े को देखा और बछड़े को अपने घर ले गए। इस दौरान उन्होंने बछड़े का स्वयं ही प्राथमिक उपचार भी किया और रात भर उसको अपने घर पर रखा। वहीं अब प्रियांशु ने नगर निगम के अधिकारियों से बछड़े को गौशाला पहुंचाने के लिए गुहार लगाई है। प्रियांशु का कहना है कि अगर बछड़े को सुरक्षित गौशाला में नहीं पहुंचाया गया तो आवारा कुत्ते फिर से उस पर हमला कर सकते हैं। कांट में दबंगों ने एक युवक को कार से कुचल दिया। बताया जा रहा है कि यहां कांट के पापड़ गांव का रहने वाला 24 वर्षीय राहुल होली पर कपड़े लेने गया था। वहीं रास्ते में पहले से ही कुछ दबंग एक युवक को पीट रहे थे। इसी दौरान राहुल ने पड़ोस में ही बाइक खड़ी कर दी, जिसके बाद वहां कुछ लोगों से विवाद हुआ और जिसके बाद बचाने पहुंचे युवक के चाचा श्यामवीर को दबंगों ने कार से टक्कर मारकर कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं घायल राहुल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होली के मौके पर कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में तेलहर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दियाखेड़ा के रहने वाले ऋषिपाल, सुखबीर, भगवानदास, समरपाल और रूपराम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने अब दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। कलान थाना क्षेत्र के भर्रामई मोहल्ले के 58 वर्षीय बुजुर्ग राम बहादुर को शराब के नशे में आए दो युवकों ने मारपीट की और विरोध करने पर उसको उठाकर 10 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम बहादुर किसी बात को लेकर अपने बच्चों को डांट रहे थे, उसी दौरान शराब के नशे में वहां पहुंचे दो युवकों ने राम बहादुर के साथ मारपीट शुरू कर दी और विरोध करने पर उसको उठाकर 10 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने भी अपने गांव में होली मनाई। राजपाल यादव अपने पंडा क्षेत्र स्थित गांव पहुंचे। यहां उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ होली का त्यौहार मनाया। आपको बता दें कि राजपाल यादव हर वर्ष होली का त्यौहार अपने गांव में ही मनाते हैं। इस दौरान उनके साथ होली मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचते हैं। आज शाहजहाँपुर जेल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वक्ताओं के द्वारा महिला अधिकारों पर विभिन्न कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और पाठ्यक्रम सामग्री वितरित की गई। महिला बंदियों व उनके साथ रह रहे बच्चों द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न रोचक गीत, नृत्य व नृत्य नाटिका और नाटक प्रस्तुत किए गए और सांस्कृतिक व लोकप्रिय लोकगीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से सभी महिला बंदियों को होली की शुभ आवश्यक समझी जाने वाली गुजिया, मिष्ठान, फल और अन्य खाद्य पदार्थ व चॉकलेट व ठंडा पेयजल भी भेंट किया गया। कांट थाना क्षेत्र के कोटा से होली मिलकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव विक्रमपुर का रामबाबू अपने परिवार के साथ रंग खेलने के बाद अपने दोस्तों से होली मिलने गया था। उसी दौरान होली मिलने के बाद घर लौट रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रामबाबू गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में रामबाबू को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं रामबाबू के घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
राजा क्षेत्र के बरमौला अर्जुनपुर गांव में अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। यहां लाट साहब और बेगम का एक जुलूस निकाला जाता है। आपको बता दें कि इस जुलूस की परंपरा कई दशकों पुरानी है। यहां होली के मौके पर बैंड बाजे के साथ लाट साहब और बेगम का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस दौरान लाट साहब घर घर जाकर नजराना भी वसूल करते हैं। इसमें सभी धर्मों के लोग आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ शामिल होते हैं।